हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज जोया। अगर आप लोग मुझे पहली बार देख रहे हो तो प्लीज मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही इजी और ड्रामेटिक ग्लिटरी आईज, स्मोकी ग्लिटरी आईज। तो कैसे मैंने स्मोकी ग्लिटरी आईज बनाई है, उसके लिए आपने ये वीडियो पूरी देखनी है। बेस मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ क्योंकि आज मेरा टोटल फोकस है मेरी आई मेकअप पर। तो मैंने ये बेस बनाई है टीवी पेंट स्टिक्स से। कैसे बनाई है, क्या क्या स्टेप बताए हैं, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो का पार्ट वन मेरे चैनल पर मौजूद है, आप लोग देख सकते हो। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट, मीन आई मेकअप करते हैं स्टार्ट। बेस के साथ साथ मैंने यहाँ पर आईब्रोज भी बना ली थी। आईब्रोज मैंने बनाई हैं स्वीट फेस की पेंसिल से, जो कि 2-in-1 है। मीन आप लिप्स पर भी यूज़ कर सकते हो और आईब्रो भी फिल कर सकते हो। देन आई शेडिंग के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ग्लैमर्स का पैलेट, और उसमें से मैंने ब्लैक आई शेडो को फिंगर की हेल्प से आईलिड पर अप्लाई किया है। फिंगर की हेल्प से आईलिड पर शेडो अप्लाई करने से ये होता है कि जो फॉल आउट है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। यहाँ पर आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जो ब्लैक शेडो है वो आपकी क्रीज से नीचे नीचे रहे। उसके बाद मैं सेम पैलेट से एक ब्राउन कलर ले रही हूँ, जिससे मैं ब्लैक कलर के एजेस को डिफ्यूज़ करूँगी। जब भी आपने किसी डार्क कलर के एजेस को डिफ्यूज़ करना हो तो आप लाइटर शेड से कर सकते हो। कीप ब्लेंडिंग जब तक कि जो आपका ब्लैक शेडो है वो बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाए। और यहाँ पर मैं सर्कुलर मोशन में ब्लेंडिंग कर रही हूँ। और आज मैंने वीडियो, जैसा कि पता है, आई मेकअप पर ज़्यादा फोकस रखा है, तो आपको आई मेकअप काफ़ी डिटेल में बताया है। मीन कोई भी स्टेप जो है स्किप नहीं किया। आप लोग देख सकते हो कि मैं कैसे ब्लेंडिंग कर रही हूँ। देन मैंने लिया है यहाँ पर आर्ट मिस का ग्लिटर बेस, और उसको मैं अपने आईलिड के सेंटर पर लगा रही हूँ फिंगर की हेल्प से ही। और उसके ऊपर मैं अप्लाई करूँगी ग्लिटर। ग्लिटर मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ क्रिस्टीन का, नंबर है इसका 107। ग्लिटर डस्ट है ये है एक्चुअली सिल्वर प्लस मल्टी शेड्स, बहुत ही प्यारा है। कैमरे में अच्छा सा कैप्चर नहीं हुआ, लेकिन रियल में बहुत ही अच्छा है। इसको भी मैं फिंगर की हेल्प से बेस के ऊपर स्टिक कर दूँगी। इस तरह स्टिक करने का ये फ़ायदा होगा कि एक तो फॉल आउट बहुत कम होगा और जो ग्लिटर है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। देन अपनी ब्राउ बोन को हाईलाइट करने के लिए मैं यहाँ पर क्रिस्टीन का हाईलाइटर यूज़ कर रही हूँ, शेड है इसका CN830। उसके बाद मैं ले रही हूँ ब्राउन आई शेडो, जिससे मैंने अपने ब्लैक आई शेडो को ब्लेंड किया था, और एक पेंसिल ब्रश की हेल्प से मैं उसको आई के नीचे लगा रही हूँ। देन मैंने सेम ब्लैक कलर पिक किया है, और इसको मैं एक एंगल ब्रश की हेल्प से लैश लाइन के बिल्कुल साथ साथ इसको अप्लाई कर रही हूँ। वाटर लाइन में मैं यहाँ पर क्रिस्टीन की वाइट पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद जैसा मैंने सेम स्टेप ऊपर किया है, वैसे ही मैं आई के नीचे भी करूँगी। मेन लोअर लैश लाइन के सेंटर में मैंने बेस लगाई, और उसके ऊपर मैं फिंगर की हेल्प से ही ग्लिटर अप्लाई कर रही हूँ। लोअर लैश लाइन पे आपने बहुत ज़्यादा ग्लिटर अप्लाई नहीं करना। लैशेज़ मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ फीमा की, नंबर 1। एंड लैशेज़ के बाद आप लोग लुक देख सकते हो, आई मेकअप एकदम से इन्हेंस हो जाता है। फेस को कंट्रोल करने के लिए मैं यहाँ पर मिस रोज़ का कंट्रोलिंग पैलेट यूज़ कर रही हूँ। फॉर ब्लश ऑन आई एम यूजिंग मैक का पैलेट, और सॉरी मैं इसका शेड रिकॉर्ड करना भूल गई थी। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये पैलेट ज़रूर दिखाऊंगी, और इसको मैं एक बहुत ही प्यारा यूनिकॉर्न ब्रश की हेल्प से अपने चीक्स पर अप्लाई करूंगी। उसके बाद बारी आ जाती है हाइलाइटर की। हाइलाइटर मैं यहाँ पर वही यूज़ कर रही हूँ जिससे मैंने अपनी ब्रो बोन को हाईलाइट किया था। मीन मैं क्रिस्टीन का ही हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। इसी से मैं अपनी नोज़ को भी हाईलाइट करूँगी और चिन को भी। लिप्स को लाइन करने के लिए मैं स्वीट फेस का ही लिप लाइनर यूज़ कर रही हूँ, जिससे मैंने आईब्रोज को फिल किया है। एंड लिप्स को फिल करने के लिए मैं यहाँ पर मेडोरा की लिपस्टिक यूज़ करूँगी, शेड है इसका सिस और नंबर है इसका 231। ये बहुत ही प्यारा न्यूड शेड है, इससे मैं अपने लिप्स को फिल करूँगी। न्यू शेड अप्लाई करने के लिए मैंने लिप लाइनर से अपने लिप्स को कंट्रोल कर लिया था, जो कि मैंने आपको डिटेल में नहीं बताया। एक वीडियो में इसको भी डिटेल में बताऊंगी। तो ये थी गाइस आज की फाइनल लुक। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी।
बहुत ही इजी मेकअप मैंने आपको सिखाने की कोशिश की है। जस्ट दो आई शेडोज से मैंने ये मेकअप लुक क्रिएट किया है, आई मेकअप लुक क्रिएट किया है। जैसा कि आपको पता है कि अगर आपका मेकअप आई मेकअप डार्क हो तो आपको लिपस्टिक जो है लाइट या न्यूड में चाहिए होती है, तो मिडोरा में 231 इट्स अ परफेक्ट न्यूड कलर। आप लोग देख सकते हो कि आई मेकअप डार्क है तो उसके ऊपर न्यूड लिप्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। सो मुझे दीजिए इजाजत, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से कंटेंट और अच्छे से मेकअप के साथ। तब तक रखिएगा अपना ख्याल और मुझे फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना भी आप लोगों ने बिल्कुल नहीं भूलना। दुआओं में याद रखिएगा। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।